कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो आज का व्लॉग जो है मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ नाश्ते से। और आज संडे है, काफ़ी देर से नाश्ता होता है। संडे वाले दिन तो आई थिंक सो सबके घर लेट ही नाश्ता होता है। तो हमने कल रात कढ़ी बनाई थी और कढ़ी के साथ हम बना रहे हैं सुबह सुबह नाश्ते में पराठे। तो पराठे भी बन रहे हैं, साथ ही कढ़ी भी यहाँ पर गर्म हो रही है। और संडे वाला दिन जो होता है वो बहुत बिजी भी होता है। तो आज क्या आप इस व्लॉग में मेरी संडे रूटीन देखेंगे, और व्लॉग जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। तो बस यहाँ पे मज़े का नाश्ता रेडी हो रहा है। तो सैटरडे को यूजुअली जो है गेस्ट आ जाते हैं हमारे घर स्टे करने के लिए। तो गेस्ट आए हुए थे हमारे घर, तो उनके लिए भी नाश्ता रेडी हो रहा है, साथ साथ बनाए जा रही हैं और दस्तरखान लगा हुआ है, वो खाते जा रहे हैं। और मम्मा जो है नाश्ता बना रही हैं, मैं साथ वीडियो भी बना रही हूँ और कुछ पराठे मैं भी सेक रही हूँ। तो आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका संडे कैसा गुजरता है। तो यहाँ पर वीडियो का टॉपिक है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कम वीडियोस अपलोड करने लग गई हूँ पाकिस्तान में आके, जैसे कि बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ हो गई है। तकरीबन मैंने बहुत ही ज़्यादा कम वीडियोज़ अपलोड करी हैं जब से आई हूँ। बहुत ज़्यादा दिल भी नहीं चाहता एक तो वीडियो बनाने का, ना मैंने मतलब रेसिपीज़ अपलोड करी हैं, एक दो करी होगी मुश्किल से। जब मैं वहाँ सऊदीया में थी तो मैं बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ भी ट्राई करती रहती थी और एक चीज़ को मैं बार बार बनाती थी। तो बस अब यहाँ पे मैं स्कूल भी जाती हूँ, साथ आके सो जाती हूँ या कोई काम वगैरह होता है वो कर लेती हूँ, उसके बाद कोचिंग जाती हूँ और फिर दोबारा स्कूल का काम लेकर बैठ जाती हूँ। रेसिपी बनाती भी हूँ तो मैं वीडियो नहीं बना पाती, ना इसको एडिट कर पाती। ये भी संडे का व्लॉग है, मैं काफ़ी दिन बाद एडिट कर रही हूँ। तो बस यही कुछ चलता रहता है जिसकी वजह से मैं बिज़ी रहती हूँ और अपनी वीडियो जो है टाइम पर एडिट नहीं कर पाती हूँ। तो मतलब बिज़ी लाइफ रहती है ना। तो यहाँ पर जी नाश्ता रेडी हो गया था, अब हम कर रहे हैं, पहले कुछ बच्चों ने किया था। तो कढ़ी तो बहुत मज़े की बनी हुई थी और कढ़ी ना हैवी हो जाती है, तो मैं एक से दो टाइम खाती हूँ बस, वरना तो कढ़ी जो है ना ज़्यादा बना लेती हैं। फिर मैं मम्मा को बोलती हूँ कि कढ़ी जो है ना कम ही बनाया करें ताकि वो फटाफट ख़त्म हो जाए। पहले मैं चावल के साथ खा लेती हूँ राइस जो होते हैं बॉयल राइस रात को, एंड देन मैं खाती हूँ सुबह पराठे के साथ, इनफ हो जाता है। उसके बाद मैं बोलती हूँ कढ़ी रखना ही नहीं मेरे सामने, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा जी, नाश्ते के बाद जो है ना हम बर्तन धोने लग गए थे, जैसे आज तो फिर भी कमी हुए थे क्योंकि हम साथ साथ समेट भी रहे थे, मैंने वीडियो भी बनानी थी इसलिए, वरना तो बहुत ज़्यादा ही बर्तन का भंडार खड़ा हो जाता है। तो मैं किसी से वीडियो भी बनवा रही थी और साथ ही बर्तन भी धो रही थी। तो दिन का टाइम है तकरीबन 5:50 हो रहे थे, 6:05 बाकी थे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है। इसकी डो भी हम यूजुअली ऐसे ही बनाएंगे जैसे कि आम डो बनती है, जिसमें मैंने 4 कप्स फ्लावर लिया है। 3 पिज़्ज़े बनाऊँगी मैं, सबसे बड़ा, उससे छोटा और देन उससे छोटा बनाऊँगी। तो उसके लिए इनफ है, जिसमें 1 टेबल स्पून मैंने शुगर ऐड की है, यीस्ट भी उतने ही ली है जितनी के शुगर ली है, और बाकी जो सॉल्ट है वो 1/2 टीस्पून लिया था, और ओरिगैनो मैंने इसमें ऐड किया है। वैसे वो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसी ही खुशबू भी आ जाती है उसकी, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया था। साथ ही ऑयल भी रखा हुआ है मैंने, जब ये थोड़ी सी एक जान हो जाएगी ना फिर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं कहीं फ्लावर नज़र आ रहे हैं, तो हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे 1/4 कप, और इसको बहुत ही अच्छे से नीड कर लेंगे। इसको ना बहुत सॉफ्ट सा आपने नीड करना है, गूंदना है, जितना सॉफ्ट जो है आपकी डो होगी ना उतनी ही जल्दी ये राइस भी होगी और ना मतलब जल्दी से बन जाएगा पिज़्ज़ा ना। उसकी नरम सी डो रेडी कर लेनी है, इसको हम ढक देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, सिर्फ 1/2 आवर हम इसको रेस्ट देंगे। यहाँ पर मैंने आपको तीनों ट्रेस भी दिखा दी, साथ ही मैं टॉपिंग भी दिखा दूँ जिसकी वजह से ये हमारा जल्दी से पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पर लाई थी फजीता टॉपिंग, जो बहुत स्पाइसी है और ये बहुत मज़े की भी है, ये मैंने ट्राई की थी पहले भी तो मैं अगेन लाई हूँ, और ये अच्छी भी है, स्पाइसी भी है, कुक हुई भी होती है। बस हमने इसको
गार्निश करना होता है। आप चाहें तो माइक्रोवेव है तो इसको उसमें रख के गर्म भी कर सकते हैं। सॉस मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ जिसमें मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाया था। बहुत सिंपल सा केचप लेना है एंड वो हॉट सॉस होता है ना, वो मैंने थोड़ा सा मायोनीज अपने पास से ऐड कर दिया था और रेड चिली। मेरी टॉपिंग में जो है ना मिर्चें थी तो मैंने इसलिए कम ही ऐड की हैं। यहाँ पर डो जो है अच्छे से राइज हो गई थी हमारी, जैसा कि ये देखा आपने कि ये बहुत ही लचकदार सी थी डो। हमने डस्ट करना है इस पर मैदा जो हमारा काउंटर होगा और निकाल लेना है। बस इसके मैं 3 पार्ट्स करूँगी एंड कुछ मैं आपको पॉइंट्स दे देती हूँ। अच्छा पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपने फर्स्ट तो है ना अपने डो पे ध्यान देना है, क्योंकि मेन जो पिज़्ज़ा जो होता है वो डो पे ही डिपेंडेड होता है। तो आपने पिज़्ज़ा जो डो है वो अच्छे से आपकी होनी चाहिए, नीट सॉफ्ट भी होनी चाहिए जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत हार्ड नहीं रखिएगा उसको। देन आपने प्रीहीट कर लेना है और आपके साथ ही टॉपिंग्स भी आ जाती हैं। अगर आप घर में बना रहे हैं तो बहुत सारे यूट्यूब पे रेसिपीज़ होती हैं, मैंने अपने चैनल पे भी बहुत सारी रेसिपीज़ दी हुई हैं टॉपिंग्स की, आप उसमें से देख सकते हैं। ये वाली तो मैंने ना जैसे ली हुई है बाहर से। अच्छा डो जो है उसके मैं कुछ अहम पॉइंट्स बता देती हूँ। जो मैंने डो गूंदी थी वो नीम गर्म वाटर जो होता है ना, पानी नीम गर्म उससे गूंदी थी, और उससे ना ये जल्दी राइस होती है। टैप वाटर यूज़ कर लीजिएगा लेकिन उसको थोड़ा सा नीम गर्म कर लीजिएगा जितना आप बर्दाश्त करें अपने हाथों पे। और जो यीस्ट है वो कुछ लोग पानी में मिलाकर ऐड करते हैं, मैं डायरेक्ट ही ऐड कर देती हूँ, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप ये टॉपिंग्स लगा रहे हो ना पिज़्ज़ा पे, आप फ़ौरन ही ओवन ऑन कर दीजिए अपना, ताकि अच्छे से प्रीहीट हो जाए। जब आप उसको बेक करने रखेंगे ना वो बहुत ही अच्छी बेकरी स्टाइल जैसा पिज़्ज़ा बन के रेडी होगा। अगर आप पहले ओवन ऑन नहीं करेंगे तो आपका जो पिज़्ज़ा है वो सख्त बनेगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें। और बस हमने इस पे जो है ना सॉस लगा देना है, पिज़्ज़ा सॉस, एंड जो टॉपिंग है वो ओपन करने के बाद स्प्रेड कर देंगे हम इस पे। मैंने नॉर्मल से स्प्रेडिंग की है, ज़्यादा नहीं की वरना ज़्यादा भी अच्छी नहीं लगती, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने कैप्सिकम ले ली है, वो भी हम इस पे गार्निश करेंगे, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है। और मैं फिर थोड़ी सी इस पे चीज़ ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी क्या ज़्यादा ही अच्छी लगती है पिज़्ज़े में, आप अपनी मर्ज़ी से जितनी भी आप चाहें वो ऐड कर सकते हैं एज़ रिक्वायर्ड। एंड देन यहाँ पर मेरे पास साइड में है ब्लैक ऑलिव्स एंड ग्रीन ऑलिव्स भी ले सकते हैं आप, दोनों हो तो वो भी स्प्रेड कर दें। मुझे ऑलिव्स बहुत पसंद है, पिज़्ज़ा जो है ऑलिव्स एंड कैप्सिकम के बग़ैर जो है ना अधूरा होता है, तो ये जो दो चीज़ें हैं आप ज़रूर ऐड किया करें अपने पिज़्ज़ा में। टाइमिंग मैंने जो है मेंशन कर दी है स्क्रीन पर। तो हमारा यहाँ पर पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, मैंने तीनों साथ ही रेडी कर लिए थे। यहाँ पर बहुत ही यम्मी सा पिज़्ज़ा बन के तैयार है, इसकी कटिंग कर लेंगे। और पिज़्ज़ा तो बहुत ही सॉफ्ट है, चाहें तो आप इसको क्रिस्पी भी कर सकते हैं। हीट को अपनी तेज़ कर दिया करें, जब थोड़ा सा रह जाए ना पिज़्ज़ा जैसे ब्राउन ना हो, क्रिस्पी हो जाएगा वो, ख्याल ये रखते हैं कि वो जले ना। ये जो मैंने पिज़्ज़ा बनाया था ना इस पर मैंने एक शीट लगा दी थी डो की, तो ये वाला सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो पिज़्ज़ा तो खा लिया था, रात के खाने की तैयारी हो रही है, थोड़ा सा ही बनाना था क्योंकि सबके पेट भरे हुए थे। पिज़्ज़ा बहुत सारा मतलब अच्छा खासा खा लिया था सब ने। और यहाँ पर कीमा भून रही हूँ मैं, कीमा गला लिया था मैंने। यहाँ पर शिमला मिर्च कट करके रखी हुई है, शिमला मिर्च कीमा किस किस को पसंद है, सबको ही पसंद होती है, बहुत मज़े की भी बनती है। तो अब जो है ना इसका पानी भी खुश्क हो गया था, ऑयल ऊपर आ गया था, मैंने मसाले ऐड कर दिए थे इसमें। और ना ये मैंने ही बनाया था, यूजुअली मम्मा ही बनाती हैं, जब से मैं वहाँ से आई हूँ ना मैं बनाती ही नहीं हूँ खाने, तो मम्मा ही बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ। आज मैंने व्लॉग बनाना था, साथ ही मैंने कहा चलो मैं ही बना लेती हूँ।
तो शिमला मिर्च अच्छे से वॉश करके जो है ना मैंने कीवे में ऐड कर दी है। इसको हमने अब अच्छे से भून लेना है। तो बस मैंने थोड़ी सी रोटियां बनानी थी तो वो बनानी है और साथ ही दस्तरखान लगा लिया। थोड़ा रेटी खाना खाया था क्योंकि दिन में हम यूजुअली खाते नहीं हैं। तो पिज़्ज़ा भी बच गया था और रोटी भी बस मैंने दो तीन ही बनाई थी। शिमला मिर्च कीमे में ना कीमा ज़्यादा था, शिमला मिर्च कम थी। और अब बस रात हो चुकी है, कल मैंने स्कूल जाना है। इसी अफसोस में मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। बस विंटर आ रही है और विंटर रेसिपीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी मज़े मज़े की। देखना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कॉमेंट भी बस ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।